यार इतना बड़ा बस स्टॉप है पर यहाँ से कोई डायरेक्टली जटायु पार्क कोई बस नहीं जाती, तो फिर पहले हमें कोल्लम से आयूर जाना पड़ेगा ये बस में, बाद में आयूर से जटायु पार्क के लिए दूसरी बस मिलेगी। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं और क्या क्या आज एडवेंचर होता है। पहली दिक्कत तो ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज नहीं समझ में आता, और दूसरी बात है कि यहाँ पर कोई हिंदी में या इंग्लिश में कुछ लिखा नहीं होता, सब उनकी लैंग्वेज है यार, सिर्फ एक्शन से या बताना पड़ता है क्या चाहिए हमें, कहाँ जाना है और क्या। कभी कभी ऐसा हो जाता है उनको वो नाम भी नहीं पता होता, सिर्फ उनको मोबाइल में फ़ोटो बताओ, बाद में उनको समझ में आता है कि इनको कहाँ जाना है ऐसा। ठीक है चलता है, इसी का तो कहते हैं एडवेंचर। तो अभी बस का वेट करते हैं कितने बजे निकलती है। अभी बज गए 11, लेट्स सी। एक घंटा और 10 मिनट के बाद हम कुन्नूर पहुँचे हैं। यहाँ से अभी हमें रिक्शा या बस मिलेगी, देखते हैं यहाँ पर कुछ इंक्वायरी करते हैं, बाद में पता चलेगा यहाँ से जटायु स्टैचू के लिए क्या मिलता है। यहाँ से हमें बस मिलेगी जो हमें जटायु स्टैचू तक लेके जाएगी, देखते हैं कितने बजे है, इंक्वायरी करना करते हैं और बाद में आपको बताता हूँ कि कितने बजे यहाँ से बस है। ये है यहाँ का अयोर का बस स्टॉप। ओके, तो यहाँ से अयोर से चढ़ाई मल्लम तक वापस बस में ट्रैवलिंग करना होगा, चढ़ाई मल्लम से हमें जटायु स्टैचू तक ऑटो में जाना होगा ऐसा यहाँ का स्टेशन मास्टर ने बोला है। तो देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। यह है अनूर का बस स्टॉप। ये वाला जो पहाड़ है ना, इसके ऊपर जटायु स्टैचू है वो देखो, ये वाला। ये है जटायु का टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट निकालना पड़ता है। ओए, ये कैसे यहाँ पे थ्री टिकट्स। Which way? This way. Okay.
थ्री थ्री पीपल પછી પ્લેન માંથી કેટલું મોટું સરસ દેખાતું હશે. Gracias.
यार हमें वहाँ से जटायु पार्क से चढ़ेमंगलम बस स्टॉप तक हमें रिक्शा वाले ने छोड़ा और हमारे पास कोई व्हीकल नहीं था, तो हमने सिक्योरिटी से पूछा कि हमें चढ़ेमंगलम बस स्टॉप तक कैसे रिक्शा मिलेगी या नहीं, या हम कैसे जाए ऐसा। तो उन्होंने कहा कि एक सेकेंड आप रुको, मैं कॉल करता हूँ। और उन्होंने कॉल किया रिक्शा वाले को, तो रिक्शा वाला तुरंत हमें लेने के लिए आया। तो यार आप कभी भी जटायु पार्क का हो तो यहाँ के वहाँ के जो लोग हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड हैं, कोई भी हो वहाँ का जो काम करता हो, वो बहुत ही हेल्पफुल है। तो ऐसा मत समझो कि आपके पास गाड़ी हो तभी आप आ सकते हो। तो अच्छा लगा यहाँ घूम के उन लोगों के साथ बात कर। चढ़ेमंगलम से हमें अभी एक कोटरकरा जाना पड़ेगा, वहाँ से हमें कोल्लम के लिए बस मिलेगी। तो ये बस हमें कोटरकरा तक ले जाएगी। अभी हम चंद्रमंगलम से कोटरकरा आ चुके हैं। अब यहाँ से हमें कोल्लम के लिए बस मिलेगी चंद्रयान। तो ये ग्रीन बस है, ये हमें कोल्लम तक लेके जाएगी, ऐसा यहाँ के एक लोकल आदमी ने कहा। कोल्लम बस स्टैंड पर आ गए। कोटरकरा से कोल्लम आते आते पूरा एक डेढ़ घंटा लगा दिया यार। सिटी बस थी, हालत ख़राब कर दी। हर एक स्टेशन पे, हर एक बस स्टॉप स्टेशन पे रुकती थी बस।